रंगों का पर्व होली चित्तौड़गढ़ में भी उत्साह के साथ मनाया गया। होली के रंगों के बीच दो दिन पहले प्रदेश सरकार को अपना समर्थन देकर भाजपा में पदाधिकारी की घर वापसी के बाद चित्तौड़गढ़ लौटे विधायक चंद्रभान सिंह आकिया की आवाज पर होली का नजारा देखते ही बन रहा था। समर्थकों में उत्साह का माहौल था। होली खेलने के दौरान फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने दावा किया है कि न सिर्फ केंद्र में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं बल्कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी भी तीसरी बार 10 लाख से अधिक मतों से जीतकर केंद्र से मंत्री बनेंगे। इसी को लेकर विधायक चंद्रभान सिंह आकिया से खास बातचीत की सहयोगी पीके अग्रवाल ने। ये होली का पर्व है और रंगों का त्यौहार है। निश्चित तौर पर कहा जाता है कि होली पर सारे गिले शिकवे मिटा करके एक हो जाया करते हैं। जो बुराइयां हैं वो निश्चित तौर पर होलिका दहन में दहन हो जाती हैं। हमारे साथ है विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, समर्थकों के साथ होली खेल रहे हैं और सुबह से ही होली का अनवरत रूप से यही रूप जारी है। किस प्रकार से देखते हैं आप इस होली को? होली पूरे देश में आज होली मनाई जा रही है और विधानसभा चुनाव के बाद आज पहली होली है। जिस प्रकार कार्यकर्ताओं में उत्साह है, सभी कार्यकर्ता सुबह 8 बजे से लगाकर कंटिन्यू होली खेल रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का मिलना और होली के रंग की तरह सभी लगे लगते रहें, अच्छा काम हो, सब लोगों प्रसन्न रहे, ऐसी मैं पूरे मेरे एरिया के लिए, पूरे राजस्थान के लिए ऐसी कामना करता हूँ। सब लोग प्रसन्न रहे और सांवरे सेठ और कालिका माता जी और चार भुजा जी का आशीर्वाद हम सब लोगों को बना हुआ रहे। ये होली चुनावों वाली है, घर वापसी वाली, क्या मान के चलते हैं? ये लोकसभा मोदी जी के चुनाव वाली होली है और मोदी जी की जो 400 सीटों का हम सब लोग लेके मकसद बैठे हैं, वो 400 सीटें हम लोगों यहाँ आए और हमारे यहाँ के प्रत्याशी हमारे लोकप्रिय सांसद भाई सीपी जोशी जी हैं, वो लाखों वोटों से जीते, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं और उसी के तहत आज होली खेल के कर चुनावों में लगेंगे और अच्छी मात्रा में हम चुनाव को जिताएंगे। 4 महीने की दूरियाँ दूर हुई हैं, एकदम कलरफुल हो गया पूरा माहौल, चेहरे पर अलग सी खुशी है, कैसे देखते हैं आप इसे? ऐसा कोई ये परिवार होता है, परिवार में छोटी मोटी बातें चलती है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा परिवार है और भाई और सीपी जी और हमने लंबे टाइम तक साथ किया है, छोटी मोटी कोई बातें हो गई परिवार में बैठ कर उन बातें को ख़त्म करके हम आगे बढ़ रहे हैं और अब भाई सीपी जी को सांसद बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे और आने वाले दिनों में हमारे यहाँ देश में 400 सीटें जीतकर जो काम अधूरे हैं केंद्र सरकार के, वो उन कामों को पूरा करेंगे। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस होली पे अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को? विधानसभा क्षेत्र में आने वाले दिनों में खुशहाली भी बीते और आने वाले विकास और डेवलपमेंट हम सब मिलकर विकास और डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की और राजस्थान की दोनों सरकार के मिलाकर भाई सीपी जोशी जी यहाँ से सांसद होंगे, मंत्री होंगे और मैं यहाँ से विधायक होंगे और यहाँ विकास और डेवलपमेंट मिलकर हम अच्छा डेवलपमेंट करेंगे। तो ये थे विधायक चंद्रभान सिंह आकिया। साफ शब्दों में कहना है कि जिस तरह से विकास और डेवलपमेंट की राजनीति के लिए हम आगे आए हैं तो वो दोनों ही मिलकर करेंगे, लेकिन जिस तरह से हाल ही में उन्होंने पार्टी को समर्थन दिया है और समर्थकों की घर वापसी हुई है उसकी निश्चित तौर पर खुशी चेहरे पर नजर आ रही है और यही वो होली का पर्व है कि जिसको लेकर के उत्साह है और रंगों का त्यौहार बरकरार है। लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं और होली की बधाइयां दे रहे हैं। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज चित्तौड़गढ़।